इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती है खबर हमारी। ट्रिपल इंजन की सरकार की इतनी दुर्गति होगी किसी ने भविष्य में सोचा भी नहीं होगा। अहंकार की अति गर्जना में भारतीय जनता पार्टी का सतना जिले का शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से विकलांग हुआ उसे देखकर उन पर बड़ी दया आती है कि इतने बड़े बड़े नेता एक सामान्य सा पार्षदी का चुनाव नहीं जीता पाए। वार्ड नंबर 43 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई उसे देखते हुए तमाम लोगों की अलग अलग तरीके की समीक्षाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पार्षद प्रत्याशी की छवि अच्छी नहीं थी इसलिए चुनाव हार गए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उपचुनाव हमेशा सत्ताधारी दल के पक्ष में जाता है, लेकिन वार्ड नंबर 43 की जनता ने इस बात की परवाह नहीं की और उसने कांग्रेस के प्रत्याशी सौरव मलिक को 709 वोटों से चुनाव जिता दिया। बहुत संभव है कि पूरे 4 साल इस वार्ड में कोई विकास भी न हो, क्योंकि प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार इस वार्ड से इसलिए भी नाराज हो सकती है कि इस वार्ड की जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को क्यों जिता दिया। लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना को भारतीय जनता पार्टी के लोग मानकर चल रहे थे कि लाडली बहना योजना चुनाव जीतने का माध्यम होगी, सत्ता का दरवाजा खटखटाने के लिए इससे बड़ा हथियार कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वार्ड नंबर 43 में 910 महिलाएं लाडली बहना योजना के माध्यम का लाभ उठाने के बाद भी इन महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलने से रोक दिया। एक फिल्म में गाना था कि जब रात हो ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। कहने का अभिप्राय बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जोर जुल्म अन्याय और अत्याचार से जनता आज ही जा चुकी है। कहीं सड़क खुदी पड़ी है तो कहीं पानी नहीं आ रहा है, तो कहीं बिजली गायब है, तो कहीं किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, तो कहीं किसी को प्रधानमंत्री आवास बिना रिश्वत के नहीं मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले का वार्ड नंबर 43 का चुनाव सेमीफाइनल समझ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को कायदे से इस चुनाव से सीख भी ले लेनी चाहिए कि जनता पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। जो नेता अपने आप को अपराजेय मानकर चल रहे हैं, जो नेता सत्ता के हंटर से वोट हासिल करने का घमंड पालकर चल रहे हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जब जनता अन्याय अत्याचार जोर जुल्म सह सह कर त्रस्त हो जाती है तो उसे न तो शिवराज सिंह का चेहरा अच्छा लगता है और न मोदी का। इस पूरे चुनाव के परिणाम अच्छे नहीं आए इस बात की नींव नगरीय निकाय के चुनाव में ही पड़ चुकी थी। नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की उससे पूरे शहर का माहौल करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा चुका था। बहुत संभव है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस चुनाव के हार की समीक्षा भी करेंगे तो इस बात का अंदाज़ा भी लगा लेना चाहिए कि जिन नेताओं की सिफारिश और जिन नेताओं के दम पर सतना जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जीत के जश्न का ख्वाब देखा जा रहा है, सच्चाई है कि उनके पांव के नीचे से जमीन दरक चुकी है। मेरे वार्ड वासियों की जीत है जिन्होंने मुझे इतना आश्वासन और प्रेम दिया। वार्ड के लिए पूरा काम करूँ, जो भी वार्ड में बचा वो काम होगा, मैं उस वार्ड अपने वार्ड पे हर एक काम करूँगा, जनता की सेवा करूँगा, जनता को अपने वार्ड की जनता को कांग्रेस पार्टी। यदि समय रहते इन गड़बड़ियों को नहीं सुधारा गया तो निश्चित तौर पर विधानसभा में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल सतना जिले में नहीं आएंगे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।